बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 6.4 और क्वेश्चन है हमारा पहला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है, निम्न दी गई भुजाओं के मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता देते हैं, साइंस पढ़नी तो हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि त्रिभुज संभव है कि नहीं। तो हम यानी त्रिभुज संभव तभी होगा जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से, मतलब तीसरी भुजा से बड़ा हो। मतलब दो भुजाएं जो हैं उनका योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो ही हमारा त्रिभुज जो है वो संभव होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले का पहला पार्ट है जो जिसमें तीन भुजाएं दी गई हैं, 2 सेंटीमीटर की और 3 सेंटीमीटर की और 5 सेंटीमीटर की तीन भुजाएं जो हैं वो दी गई हैं। तो हमें क्या लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा सबसे पहले किसी भी त्रिभुज के लिए जरूरी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं, दिख रहा है, हाँ, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो, तीसरी भुजा से ज़्यादा हो। ठीक है, ये हमारी एक शर्त कह लो, ये त्रिभुज के संभव होने के लिए ज़रूरी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पहले ये दो भुजाएं ले लेते हैं, मतलब 2 + 3 ले लेंगे। ठीक है, और इनका योग जो है वो 5 से ज़्यादा है भाई, 5 और ये 5, ये तो हमारा बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो बराबर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। फिर हम यहाँ पे इन दो भुजाओं को ले लेते हैं, 3 + 5 ले लेते हैं, इनका योग जो है 2 से ज़्यादा है, ये 8 2 से ज़्यादा है, तो आप कह दोगे हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभव है। ठीक है, फिर हम इस बार क्या ले लेंगे, 5 और 2 ले लेंगे। ठीक है, 5 + 2 ले लेंगे, ये हमारा 3 से ज़्यादा है, तो आप कह दोगे हाँ, तो कह देंगे यहाँ पे संभव है। पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन तीनों में से एक कंडीशन जो ऐसी आ गई है जिसमें लिखा है संभव नहीं है, तो मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इन भुजाओं से त्रिभुज का बनना संभव नहीं है, इन भुजाओं से त्रिभुज का बनना संभव नहीं है, त्रिभुज का बनना संभव नहीं है। ठीक है, अगर तीनों ही संभव वाले होते तो हमारा संभव हो जाता, पर इसमें एक कंडीशन ऐसी आ गई है जिसमें लिखा है कि संभव नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें है हमारा 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फिर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये भुजा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ये हमारा 9 हुआ, तीसरी भुजा क्या बची, 7 बची, तो 7 से 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, संभव है, यहाँ पर क्या लिख जाएगा, संभव है।
अब हम ये दो भुजा ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, बचा क्या है 3। तो भाई 3 से इनका योग तो ज़्यादा ही होगा, तो भी हमारा संभव है। अब हमारा क्या बचा, 3 और 7 बचा, 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 6 बच गया, तो 10 जो है 6 से ज़्यादा है, तो ये भी संभव है। तो हमारे यहाँ पे क्या लिख जाए, तीनों ही संभव आ गए ना, तो लिख देंगे अतः इन भुजाओं से त्रिभुज का बनना संभव है। ठीक है, तीनों ही संभव आ गए हैं तो त्रिभुज का बनना संभव हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम कराते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा है, जो है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन कराने से पहले आपको कुछ अपने मन की बात बता देते हैं, वो ये है भाई, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों क्यों? क्योंकि आप मुझसे दोबारा तो पढ़ने आएंगे ही। ठीक है, पढ़ने आएंगे तो हमारे चैनल को खोजेंगे, हो सकता है कि चैनल ना मिले। ठीक है, तो आप खोजते रहेंगे तो आपका टाइम तो बर्बाद होगा। तो इससे बढ़िया है चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हमारे चैनल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारी वीडियोज़ खुद ही अपने आपके यूट्यूब चैनल में शो होती रहेंगी। ठीक है, और बेल आइकन को टच कर लेंगे, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साइंस पढ़नी है तो हमारे चैनल जॉर्जस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। और आपको क्या करना है, इंग्लिश बोलना सीखना है तो इस चैनल पे चले जाइएगा। हमारी दिन चाहिए, हमारे घर के फंक्शंस अटेंड करने हैं तो वहाँ पे चले जाइएगा। क्रिएटिव बनना है तो यहाँ पे चले जाइएगा। तो सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, ये काम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। तो ये है हमारा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इनका योग जो है ना हुआ, बचा हमारा क्या था, 2 से ज़्यादा है तो ये हमारा संभव हो गया। फिर हम इनको ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, बचा क्या है हमारा, 6। ठीक है, तो ये हमारा 5 हुआ, पर यहाँ पे 6 है, 5 तो ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मतलब ये हमारा संभव नहीं हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका योग जो है 5 आ रहा है और यहाँ पे 6 लिखा है। ठीक है, अब हमारा क्या, हम ले लेते हैं 6 और 2 ले लेते हैं, 6 2 ले लेते हैं, बच गया 3, तो 6 2 8 तो हमारा 3 से ज़्यादा हो जाएगा तो संभव हो जाएगा। पर इसमें एक कंडीशन ऐसी आ गई है जिसमें लिखा है संभव नहीं है, तो मतलब हमारा त्रिभुज का बनना संभव नहीं है, तो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए जल्दी से।